इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि दुर्गा माता की व्रत कथा। इस व्रत कथा में उपवास में फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर में ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। यह कथा कन्याओं को विशेष फलदायक होती है। श्री माता जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा में अंत में बारंबार जय माँ तेरी, जय माँ तेरी, जय माँ दुर्गा तेरी का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। कथा फ्रेंड्स इस प्रकार है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शस्त्र और चारों वेदों के जानने वाले हो और श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र मास व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत आरंभ होता है। यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने के लिए दुर्गा जी का, महादेवी का, सूर्य नारायण और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वालों को धन प्राप्त होता है, विद्या चाहने वालों को विद्या प्राप्त होती है और सुख चाहने वालों को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य हमेशा के लिए रोग से छूट जाता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता है और कारागार में गया हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का निवास हो जाता है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को वह भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और अंग में हीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता हुआ इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान से रहित हो, भूख और प्यास से मारे मारे वह पृथ्वी पर घूमता है, वह गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य दिन भर भूखा प्यासा नहीं रह सकता है तो वह एक समय भोजन करके भी इस व्रत को कर सकता है और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहें, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती देवी के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती देवी का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है,
पर होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवताओं के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रणाती अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुश्ती के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल एक भाग के भरोसे रहकर ही तुम क्या करती हो। इस प्रकार से पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने खुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं ही प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म का पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के प्रभाव से एक दिन का पुण्य अपने पति के कुष्ठ रोग दूर करने के लिए अर्पित करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग काया करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छीड़ होती नजर आती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर उनकी स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, मनुष्यों को प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराधी रहित अवला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया है। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझ तीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमत ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, उदाले नाम का अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है तू। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमत बोली कि हे भगवती, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी का वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी
हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उनके नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरे के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से, धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल से तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का मातम मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्र का व्रत महात्म मुझे सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो माता रानी की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो, यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।